बाड़मेर में एक बूथ पर मतदान जारी है। बूथ नंबर 50 पर मतदान करने आए वांटेड को पुलिस ने पकड़ा। यह बड़ी खबर आपको बता दें, चौहटन पुलिस को दुर्जन सिंह की तलाश थी और मतदान करने मतदान केंद्र पर जब वो पहुंचा तो ये एक्शन पुलिस ने लिया। बूथ नंबर 50 पर मतदान करने आए वांटेड को पुलिस ने पकड़ा है। बाड़मेर के बूथ नंबर 50 पर मतदान करने के लिए वांटेड अपराधी पहुंचा था, जिसको चौहटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मतदान करने मतदान केंद्र पर एक शख्स पहुंचा था, यह बड़ी खबर है। चौहटन पुलिस को दुर्जन सिंह की तलाश थी तो मतदान करने मतदान केंद्र पर जब वो पहुंचा तब यह एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया। बाड़मेर के एक बूथ पर मतदान जारी है और बूथ नंबर 50 पर मतदान करने आए वांटेड को पुलिस ने धर दबोचा है। चौहटन पुलिस को दुर्जन सिंह की पहले से ही तलाश थी। मतदान करने मतदान केंद्र पर जब दुर्जन सिंह पहुंचा तो पुलिस की टीम ने शख्स को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाड़मेर के एक बूथ पर सुबह से ही मतदान हो रहा है और यहां मतदान करने के लिए चौहटन पुलिस को दुर्जन सिंह की तलाश थी। जब मतदान केंद्र पर वो पहुंचा तो पुलिस ने वांटेड को पकड़ा है। बाड़मेर में एक बूथ पर मतदान जारी है। संवाददाता राजू माली हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। राजू, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदान को लेकर भी हमने बातचीत की, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मतदान करने यहां एक वांटेड दुर्जन सिंह पहुंचा था जिसकी तलाश पुलिस को पहले से थी और उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को लेकर पुलिस हमेशा ही नजर रख रही है और यहाँ पर जो बूथ है बाहर उनकी पूरी व्यवस्था है और पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद है और चौटन थाने का वांटेड बताया जा रहा है किसी मामले में वांछित था। और जैसे ही आज मतदान करने पहुंचा तो पुलिस के जवानों ने उसको गिरफ्तार कर चौटन थाने लेकर गई है। अब क्या मामला है उसके खिलाफ ये तो अभी जानकारी आना शेष है, लेकिन फिलहाल पुलिस की जो इस तरह के लोग हैं, जो इस क्षेत्र में वांछित लोग हैं, उन पर नजर है और उसी को लेकर ये कार्रवाई करते हुए उसको हिरासत में लिया है। जी हाँ बिल्कुल राजू, फिलहाल जरा ये भी बताइए कि कैसी तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं पोलिंग बूथ पर। सुबह से मतदाता पहुंच रहे थे, चूंकि मौसम की वजह से भी मतदाता परेशान होते हैं, लेकिन अब 11 बज चुके हैं, कैसी तस्वीर है, कैसा उत्साह अब तक बना हुआ है मतदाताओं में? बिल्कुल, मतदाताओं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और खासकर आज जो गर्मी है वो तेज होने की संभावना है और आज राजस्थान में आकतीज का पर्व भी मनाया जा रहा है तो इसको लेकर भी लोग आज घर पर हैं और बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर उमड़ रहे हैं। लाइनें जो है हालांकि सुबह के मुकाबले अभी थोड़ी कम है, लेकिन जो उत्साह है, जो जोश है मतदाताओं में वो अभी भी बरकरार है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राजू, जरा ये भी बताइए कैसी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके, गर्मी से भी लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में पोलिंग बूथ पर कैसी सुविधा है मतदाताओं के लिए? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने आज कल और 3 दिन लगातार यहाँ भयंकर लू और तेज गर्मी की संभावनाएं जाहिर की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ जो रीपोलिंग हो रही है इस बूथ पर पानी की छाया की माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी गेट पर तैनात है और वो यहाँ लाइन में लगने वाले जो महिलाएं हैं, जो कोई जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा उनको ORS की घोल है जैसे कोई जरूरी दवाई है वो उपलब्ध कराई जा रही है और समय समय पर लोगों को पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में जो मतदाता है यहाँ आ रहे हैं जो पोलिंग के लिए तो उनको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी है और मतदाता भी कह रहे हैं कि आज प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है और लोग इसी को लेकर मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहे हैं। ठीक है राजू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र 50 पर वोटिंग हो रही है। ये मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवाखुर्द में है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। गोपनीयता भंग होने की शिकायत के बाद बूथ पर मतदान कराने वाले 4 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जा रही है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान गोपनीयता भंग करने की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर ने 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही वेबकास्टिंग वेंडर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत कार्रवाई की गई है।
तो 10 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 16.46% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंच रहे हैं। 1294 वोट में से अब तक ये फीसदी निकलकर सामने आए हैं, जहां 213 वोट डाले जा चुके हैं।